डॉक्टर है तू? न्यूरो साइंटिस्ट। अब उनकी किडनी तो नहीं बेची ना, अब उनको उससे आईफोन खरीदने का था। कहां से आते हैं? अब भाई हर एक बंदा चाहता है कि उसके पास आईफोन हो या फिर उसके पास कोई हो बढ़िया सा गेमिंग मोबाइल जिसमें वो बढ़िया गेमिंग कर पाए, बिल्कुल HDR ग्राफिक्स में, बढ़िया FPS के साथ। लेकिन क्या करें भाई, हम तो 1-2 GB रैम वाले मोबाइल के बंदे हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से, अगर होता तो भाई लेना लेते। मैं गरीब हूँ। देखो भाई, मैं तुमको कोई गेमिंग मोबाइल या फिर आईफोन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ जिससे आपके मोबाइल की गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो और बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देवियों और सज्जनों खुशी बेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ नहीं ठग लाइफ चलेगी। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके मोबाइल में कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर डला है, आपको उसको डिलीट कर देना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐप आपने इंस्टॉल किया है जिसको आप यूज नहीं करते, डेली यूज नहीं करते, आप उसको डिलीट कर दीजिए। वो ऐसे ही बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपकी रैम कंज्यूम करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका मोबाइल थोड़ा सा लैग करेगा गेमिंग के टाइम। इसलिए आप उस ऐप को डिलीट कर दीजिए जिसको आप यूज नहीं करते। जाओ अभी वीडियो को पॉज करो और डिलीट करके आओ। चलो 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 चलो। तो देखो भाई, अगर आप कोई एडिशनल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, कोई बैटरी सेवर या फिर कोई गेम बूस्टर डाउनलोड करते हैं, तो उसको भी अभी के अभी डिलीट करो, या फिर अगर डाउनलोड करने वाले हो तो भाई मत करो, वो सिर्फ आपको ऐड दिखाएंगे, पैसा कमाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी रैम कंज्यूम करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी साइड, अगर आपके मोबाइल में गेम मोड है तो भाई उसको एनेबल करके गेम खेलो। वैसे 99% लोग इसको एनेबल ही नहीं करते, कहते कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई फर्क पड़ता है, GPU आपको थोड़ा सा बूस्ट होता है। बट अगर आपके मोबाइल में गेम मोड नाम की कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर भाई भाई जो फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स को खेलता है उसके लिए ये टिप बहुत ज्यादा कमाल किया है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन गेम्स को खेलते हैं तो आपको क्या करना है कि ग्राफिक्स को एकदम लो कर देना है और जो FPS है उसको बढ़ाना है। लेकिन ये कैसे करना है, इसके लिए आपको GFX टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब GFX टूल कौन सा बढ़िया है कौन सा बुरा है ये आपको दूसरे यूट्यूबर्स बता देंगे, बट आपको क्या करना है कि GFX टूल का इस्तेमाल करना है और अपनी जो FPS है उसको बढ़ाना है, जो अपने ग्राफिक्स है उसको आप लो ही रखें। इससे क्या होगा कि आपको फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलेगा, बल्कि गेम जो है बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा FPS के कारण। तो आपको इसको यूज करना है। मैं भी यूज करता हूँ, कोई इतनी डरने की बात नहीं है, आप भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप पर है, अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो भाई फिर भी ठीक है। अब भाई जो फोर्थ टिप है वो डेवलपर ऑप्शन के ऊपर बेस है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता इसको कैसे इनेबल करना है तो भाई रुको जरा, सबर करो। इसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है, उसके बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन या फिर बिल्ड नंबर मिलेगा, आपको उसके ऊपर 7-8 बार क्लिक करना है। जितनी बार क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाएगा कि भाई डेवलपर ऑप्शन क्रिएट हो चुका है, अब तो क्लिक करना बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब भाई इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन नाम की एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। तो रुकिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। 2000 years later. So, 2000 सालों के बाद गाइस मैं पहुंच चुका हूँ उस ऑप्शन के ऊपर जिसका नाम है फोर्स GPU रेंडरिंग, आपको इसको एनेबल कर लेना है। इसके बाद एक और ऑप्शन है जिसका नाम है फोर्स 4 multiply MSAA, इसको भी आपको एनेबल कर लेना है। इनको एनेबल करने से क्या होगा कि आपका जो GPU है वो जितना हो सके एक्सट्रीम लेवल पे काम करेगा, जिससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग के बाद मैं आपको बताना भूल गया, जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में एक भी ऐप नहीं चलेगा, सिर्फ जो आपने एप्लीकेशन ऑन किया है वही चलेगी, मेरा मतलब कि गेम आप। इन सभी ऑप्शंस को एनेबल कर लेने के बाद आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप अपनी गेम को बंद करेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन को भी बंद कर देना है, नहीं तो भाई। अब भाई अगर आप पिछली टिप्स को यूज कर रहे हैं तो आपको इस टिप को यूज करना ही पड़ेगा। तो इस टिप में आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा कूल रखना है। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप अपने मोबाइल के GPU CPU को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाओगे तो आपका जो मोबाइल है वो गर्म तो होगा। इसलिए आपको उसको कूल करने के लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल का बैक कवर उतार देना है, उसके बाद आपको पंखे के नीचे बैठना है या फिर कूलर के आगे या फिर AC के नीचे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फ्रिज बड़ा है तो उसके अंदर बैठ जाइए। नहीं नहीं भाई, कुछ भी गाइज। अब इनमें से कोई एक टिप भी अगर आपके मोबाइल में वर्क ना करी तो भाई एक लास्ट टिप है, अगर वो भी ना वर्क करी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लास्ट टिप है, आपको इसको अप्लाई कर लेना है। क्यों हिला डाला ना? अब भाई वीडियो तो खत्म होने पे आई है, लेकिन आपको मुझे जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके मोबाइल की रैम कितनी है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।